3, 2, 1 गो। आज हम बना रहे हैं गियर्स। सबसे पहले हम सर्कल लेंगे, उसका डायमीटर हम लेंगे 67 mm। सबसे पहले देख लेना आपका सब mm में हो, सेंटीमीटर इंच में ना हो। उसके बाद हम इसको क्रिएट पे जाएंगे, फिर हम इसमें लाएंगे, क्रिएट पे गए, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जो हमने सर्कल बनाया है। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड करेंगे। अब जैसे ई आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे तो एक्सट्रूड आ जाता है, शॉर्ट की है ये, 10 mm। इसको एक्सट्रूड करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। सो लेट्स एक्सट्रूड इट, आई थिंक 11 इज़ गुड, सो आई टेक द 11 mm। अगेन आई गो टू द क्रिएट। उसके बाद जैसे कि अगर आपको स्क्रिप्ट में जाना है तो आप एस दबा के जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब मैं सेंटर डायमीटर का फिर से एक और सर्कल बना रहा हूँ, जिसका मैं डायमीटर लूँगा 8 mm डायमीटर ले लिया है मैंने। इसके बाद एक और सर्कल बनाएंगे सेंटर डायमीटर का ही, जिसका हम 11 mm रेडियस ले रहे हैं, मतलब 5.5 mm का रेडियस हो गया इसका। अब हम एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड जो बीच का पार्ट होगा उसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड में आपको देखना पड़ेगा कि वो बाहर निकल रहा है या फिर हमें कट करना है, तो उसको माइनस में दे जाना पड़ेगा। तो -11 mm हमने डिस्टेंस दे दिया है, इसको हम डिस्टेंस ही रहने देंगे। उसके बाद ये चेक कर लेंगे ऑपरेशन में कट ही हो, जॉइन ना हो। जब हम कट करेंगे तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे दिखेगी, बीच में से वो पोर्शन कट हो गया है। अब हम फिर से क्रिएट में जाएंगे, उसके बाद फिर एस दबाएंगे। When we click on S, then we have to choose that which function we are going to use in this. Like circular diameter का फिर से हमें एक और circle बनाना है। इस बार हम 11 mm का फिर से एक और diameter खींचेंगे, और जैसे कि back side में वो बन चुका है, उसको back side में बनाइए, front side में वो आपके gears के ऊपर है, आपको use कहाँ करना है। extrude में गए, फिर उसको extrude कर देना है 4 mm, 2 mm देख सकते हैं, अगर आपको मिनिमम लग रहा है मैक्सिमम वो आपके उसके ऊपर है। आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए गियर्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे मुझे मशीनिंग के लिए चाहिए 4 mm का, तो मैं 4 mm कर दूंगा, और ये अंदर की तरफ जा रहा है, कट कर देगा। ऑपरेशन में कट ज़रूर देख लीजिएगा, उसका ओके क्लिक कर दीजिए। फिर हम बॉटम में गए उसके, इसके बाद हम फिर से क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद टूल्स पे गए, और टूल्स पे आने के बाद हमने एक उसकी रेडियस और डायमीटर दोनों को नापने के बाद इसमें एक सेंटर एक लाइन बनाएंगे, जो सेंटर से पास होनी चाहिए। इसका यूज़ बाद में होगा, सबसे पहले इसको सेंटर से इसको सही करके सेंटर पे ले आना है। बिल्कुल सेंटर से इक्यू डिस्टेंस पे हो, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ये ध्यान देना है। इसके बाद हम मेन पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे हमारे गियर्स के पार्ट्स गियर पार्ट कट होगा। अपना सेट कर लेंगे कि हम कहाँ पे सर्कल वो करेंगे। इसके बाद लाइन आप एल शॉर्टकट है, वरना आप सॉलिड में स्केच में जाके
जैसे मैंने किया है उस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। 90 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे जो कि 6 mm ली है मैंने। उसके बाद आपको अलग से फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे, राइट में आपको लेना पड़ेगा 1.5 या जो आपकी गियर्स की डायमेंशन हो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। सो एस आई टेकन 1.5, सो सेम आई हैव टू डू एट द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ साइड आई हैव टू डू द सेम डायमेंशंस। ओके 1.5 एट द लेफ्ट साइड। ओके नाउ आई हैव टू गो टू द टॉप पॉइंट, ऊपर के टॉप पॉइंट पे गए, उसको मैं ले लूँगा 4 mm, 4 mm मेरी डायमेंशन यही कहती है, 4 mm ले लिया। अब 4 mm में हम इन ये राइट के लिए हो गया, लेफ्ट के लिए भी हम ऐसे करेंगे। तो अब मैं लेफ़्ट के लिए भी दोबारा से कर ले रहा हूँ। दोस्तों कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, वरना ये थोड़ी दिक्कत करता है। तो ये 4 mm का मैंने राइट और लेफ़्ट दोनों जगह ले लिया। अब इनको जॉइंट्स कर लेंगे लाइन के द्वारा, एल दबाएंगे तो जैसे ही एक पॉइंट पे ड्रैग करेंगे दूसरे पॉइंट तक ले आना है, वो अपने आप जॉइन कर देगा। तो ये हमारी शेप बन के तैयार हो गई है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसको कट करना है। सो एक्सट्रूड करेंगे अब हम। एक्सट्रूड कैसे करेंगे, पहले हम उन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, टू द ऑब्जेक्ट चूज़ कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट में आपको एक्सटेंट में आपको देखना पड़ेगा, टू ऑब्जेक्ट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। सबसे पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन कौन सी लेयर्स को कट करना है, उसी शेप में कट होगा। शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर दिए, जौन सी भी प्रोफाइल को आप सेलेक्ट करोगे वो आपकी एक्सट्रूड होके आ जाएगी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो सरफेस है हमारी, कौन सी सरफेस पे कौन से ऑब्जेक्ट पे करेंगे उस पर क्लिक करना है हमें। तो ये देखिए अब हमारा एक्सट्रूड होके टू द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी उसके हिसाब से ये कट हो चुका है। ओके दबा के फिर हम आएंगे, देख लेंगे चारों तरफ की सही से हुआ है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पहला गियर सेट तैयार है। अब हम अपनी डायमेंशन के हिसाब से इस पूरे व्हील जो आपको दिख रहा है उस पे कर देंगे अपने हिसाब से। उसके लिए हम सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करते हैं। सर्कुलर पैटर्न हमने पैटर्न टाइप ही चूज़ करेंगे कि पैटर्न टाइप हम कौन सा करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन सी लेयर्स हमें सेलेक्ट करनी है। तो हमने 3 faces सब्जेक्ट कर लिए हैं, सेलेक्ट कर लिया है कौन सी एक्सेस पे होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो ये हमें डिस्टेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उनके बीच में डिस्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। गियर्स बनाएंगे तो उसके बीच में डिस्टेंस हो, गियर्स बनेंगे कैसे, लाइक 25 25 पे भी कम डिस्टेंस है तो हमें कम से कम 20 20 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 20 डाला। अब ये 20 अलग अलग गियर्स हो चुके हैं। सो दिस गियर बॉक्स इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू। तो ये सिंपल था दोस्तों। उसके बाद हमें जिस चीज़ में लगाना है उसके हिसाब से इसकी की बनाते हैं। जैसे कि हर चीज़ में एक की होती है, जब भी आप किसी मशीन को चलाते हैं या शेयरिंग मशीन है तो उसमें की जाती है, तो वो की क्या होती है, उसको फिट करती है किसी भी चीज़ को। तो जैसे मेरे पास जिस चीज़ में मुझे ये गियर यूज़ करना है उसके हिसाब से मैं इसकी की बनाऊँगा। एक ये सर कर लिया, 18 mm डायमीटर है इसकी। उसके बाद हम इसको चूज़ कर लेंगे, एक्सट्रूड करेंगे।
तो दोस्तों ये एक्सट्रूड करेंगे हम, कम से कम ले लेते हैं, ये जरूर देख लिया कट ना हो, 11 mm लिया है तो ये कट हो जाएगा, तो हमें ये जो कट हुआ है ये नहीं करना। अब हम बैक जाके अंडो करके दोबारा से हम एक्सट्रूड करेंगे। इस बार हम लेंगे इसको 4 mm जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके सो वो मैंने खाली आपको करके दिखाया था, तो 4 अगर पीछे आ रहा है तो कट हो जाएगा, -4 चूज़ कीजिए और जॉइन कट की जगह जॉइन कर दीजिएगा, तो ये आपको बाहर की तरफ दिख जाएगा, जो उनसे भी आपको की बनानी है ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ये तैयार हो चुका है। अब बस हमें इसमें एक काम करना है, फ्लेट्स का यूज़ करना है, F आप दबा के फ्लेट आ जाएगा उसमें। हमने एज चूज़ करनी है तो हमने एज ले ली है। अब इसमें फ्लेट में हमें कितने mm की फ्लेट लेनी है। अच्छा फ्लेट का यूज़ क्या है, वो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है उसकी प्रॉब्लम जो आती है लोड बियरिंग में, वो ये फ्लेट दूर कर सकता है। ओके तो ये फ्लैट का ये काम है। जी हाँ ये फ्लैट हो चुका है। अब हमें दूसरी लेयर करनी है, दूसरी एज हमने सेलेक्ट कर ली है। अब इसमें भी हमें देखनी है, 1 mm की मैंने फ्लैट ले ली है, तो ये मजबूती देती है, वेल्डिंग हो आपकी, शोल्डरिंग हो। फिलेट्स कॉमनली अपीयर्स ऑन वेल्डेड शोल्डर्ड और ब्रेस जॉइंट्स। ओके तो हमने ये सारे जॉइंट्स को जॉइन कर दिया है, मजबूत कर दिया है अपने ड्राइंग को। तो ये दोस्तों मेरी पहली ड्राइंग थी जिसमें मैंने पूरा गेयर बना के आपको दिखा दिया है। सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियो।